मिश्रा जी बात कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे जलने की। जलना चाहे आप खाना पकाते हुए आपके हाथ जलें, मोस्टली हमारे जल जाते हैं कभी देगची से पकड़ते हुए देगची को, या रोटियां पकाते हुए तवे से हाथ जल जाते हैं, या तो कभी गरम चाय या दूध हाथ पे गिर जाता है तो इसकी वजह से हाथ जलते हैं, या कपड़े कभी कभी कपड़े इस्त्री करते हुए आयरन करते हुए हमारे हाथ इस्त्री पे लग जाए तो जलता है हाथ, या कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बाहर निकलते हैं सूरज पे ज़्यादा, सूरज के नीचे ज़्यादा देर तक धूप में खड़े होते हैं तो सूरज की वजह से उनकी पूरी स्किन लाल होके जलने लगती है, इतनी तकलीफ होती है उनको कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म दूध उनके ऊपर गिर गया है। तो बेसिकली जलना जो है वो किसी भी सूरत में सही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, काफ़ी तकलीफ होती है, इसमें दर्द होता है। तो फिर उसकी जो रेमेडीज है, घर की जो इलाज है घर का, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो रेमेडी है, जो ये कहते हैं डॉक्टर्स, कि कोशिश करें कि जब आपका हाथ जले या जो भी आपकी बाजू या जो भी जगह, उस पर ठंडा पानी डालें, बर्फ़ वाला नहीं। ये मैं वापस रिपीट करती हूँ, बर्फ़ वाला पानी नहीं, नलके का पानी लेकिन ठंडा पानी। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप उसके नीचे अपना हाथ रखें, जहाँ भी जला है 15 से 20 मिनट पानी के नीचे, ठीक है ना, नल का ठंडा पानी, सही, ठीक है। दूसरी रेमेडी, एक बिल्कुल साफ़ कपड़ा लें या सॉफ्ट टॉवल तौलिया, उसको ठंडे पानी में डालें, बिल्कुल ठंडे पानी में, या तो फिर इतना बॉल लेके उसमें थोड़े से आइस के बर्फ़ के पीस डालें ताकि वो पानी ठंडा हो जाए, और फिर उसमें वो तौलिया डाल के, क्योंकि हम तौलिया डायरेक्ट पानी बर्फ़ वाला नहीं लगा रहे, तौलिया उसमें डालेंगे निचोड़ेंगे तो इसमें वो फिर वो इतना ठंडक नहीं रहती है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़े से आइस बर्फ़ के पीस डाल के, कपड़ा डाल के थोड़ा सा निचोड़ के फिर जख्म के ऊपर रखें, क्योंकि अगर जख्म अगर यहाँ पर है या यहाँ पर है तो पानी डालना मुश्किल है, तो फिर आप वो जो ठंडा ठंडा जो है वो टॉवल है वो उसके ऊपर रखें, और 10 से 15 सेकंड रखें, फिर वापस पानी में निचोड़ें, फिर वापस रखें इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये है सेकेंड रेमेडी। और उसकी थर्ड रेमेडी है हनी, शहद। लेकिन शहद अगर असली हो, आपको ये तसल्ली हो कि शहद जो है वो असली है, प्योर है, तो क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं, तो वो भी बहुत ही इसमें बहुत ही फायदेमंद है लगाना बन के ऊपर, ठीक है ना। और अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सबसे बेस्ट इसका इलाज है, जो कि जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, घरेलू इलाज है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा तो आपको पता है कि हर जगह पर आपको इजीली मिल सकता है, कितने लोगों के घरों में एलोवेरा मोस्टली होता है, प्लांट होता है या बाहर होता है, उगाते हैं घर में, तो उसका एक पीस जो है वो काट के फिर उस पर डायरेक्ट लगाएं। तो मैं अभी आपको शो करती हूँ, दिखाती हूँ कि एलोवेरा को आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि एलोवेरा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है उसमें प्रॉपर्टीज है, वो आपको जख्म बढ़ने नहीं देगा, वो आपको बैक्टीरिया उससे मर जाएंगे, उसके बहुत सारे फायदे हैं एलोवेरा के, ठीक है ना। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि उसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसका एक छोटा सा पीस काटेंगे, ये देखिए मैंने अपने हाथ में काटा है, और इसके साइड पे जो कांटे वाला जो है पोशन किनारे, ये इसके काट लेंगे, ठीक है, इसके दोनों साइड से इसके किनारे काट लेंगे, और उसका राउंड शेप जो है, गोलाई का जो उसका है ना, वो वाला नहीं, ऊपर का जो प्लेन है ना सीधा जो है वो, उसको काट लेंगे ऊपर वाला, नीचे वाली इसकी छिलका भले लगा हुआ हो, ठीक है। ये देखे मैंने, आप देख रहे हैं ना मैंने काटा है, अभी उसको छुरी से हल्का हल्का कट करेंगे, ताकि वो इसका वो कट करेंगे तो इजीली हमारी स्किन जो जली हुई जो स्किन है ना उस पर इजीली लग जाएगा, ठीक है ना। ये देखें बिल्कुल वो छोटे छोटे पीस हो गए, तो वो आराम से लग जाएगा वो, फिर वो अपने जहाँ पर जला है, जैसे ये हाथ पे अगर जल गया आपको, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है, असर वाला है ये जलने में, लेकिन मेक श्योर करें कि प्योर एलोवेरा हो, ठीक है ना, वो बोतल बोतल वाला बाज़ार का एलोवेरा नहीं, ये प्योर
प्योर एलोवेरा उसको कट के फिर आपको लगाना है, उसको पर काट के डॉक्टर्स फिर। कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा पेन है या तकलीफ़ है तो कोशिश करके रेगुलर पे जो पेनोडॉल या टाइलोनोल जो होती है रेगुलर पेन किलर वो आप एक या दो दिन में ले लें ताकि आपको फिर ज़्यादा पेन नहीं हो। ठीक, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो चीज़ें जो घर में लोग लगाते हैं डॉक्टर बोलते हैं वो उसको नहीं लगाया करें, वो बिल्कुल फ़ायदा देने के बजाय आपको जलने का फ़ायदा तो नहीं देगा, आप उल्टा आपको नुकसान करेंगी। और नंबर 1 है मक्खन, बोलते हैं मक्खन नहीं लगाया करें, ठीक है ना। और नंबर 2 है तेल, ऑयल, जो हमारे घर में ऑयल काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऑयल उठा के उस पर उसको लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि वो ऑयल जो है वो नहीं लगाया करें। नंबर 3 है अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी डॉक्टर्स बोलते हैं ये नहीं लगाएं क्योंकि काफ़ी लोग बोले लगाते हैं फिर उसमें फ़ौरन बैक्टीरिया हो जाते हैं, जरासीम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जख्म पैदा हो जाते हैं और भी सही होने के बदले और भी खराब हो जाता है, तो अंडे की सफ़ेदी भी नहीं लगाया करें। और नंबर 4 आइस, बर्फ़, कभी भी जलने के ऊपर डायरेक्ट बर्फ़ कभी भी नहीं लगाया करें, ठीक। और नंबर 5, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इनफेक्ट मैं खुद भी करती थी पहले, कि जब भी जल जाता था हाथ तो मोस्टली जाके फ़ौरन जाके लगा लेती थी पेस्ट, टूथपेस्ट है जो हम लोग ब्रश करते हैं वो लगा लेती थी हमेशा। लेकिन फिर जब मुझे पता चला, डॉक्टर्स ने भी मना किया, फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा बहुत, तो पता चला कि नहीं, पेस्ट सही नहीं है लगाना, क्योंकि मैं सोचती थी पेस्ट से थोड़ी देर के लिए आपको काफ़ी थोड़ी देर आराम मिल जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ 2-4 मिनट के बाद आपको फील होगा बहुत जल रहा है, और फिर उसमें जो है वो, क्योंकि वो स्टरलाइज नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया होने का जल्दी, बैक्टीरिया होने के, जरासीम फैलने के जल्दी चांस होते हैं, तो पेस्ट भी डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं लगाया करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में और अपनी फ्रेंड्स में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।